डिंपल अपने हिलदे दंद नूं छेड़ रही सी। दंद निकल के उस दे हाथ विच आ गया अते ओ रोंदी रोंदी मम्मी कोल गई। मम्मी जी, मेरा दंद टूट गया। कोई गल नहीं बेटा, ए टूटिया नहीं, निकलिया है। ए तेरे पक्के दंद नहीं, ए ता दुद्ध दंद ही हन, जेड़े हुन निकलने शुरू होए हन। पर मैं हुन दंदा बिना कीवें खावांगी? बेटा, तू एक साल दी उम्र तक भी बिना दंदा तो ही सी, उदों तक तेरे मुंह विच कोई दंद नहीं सी। हुन ता ए निकल के नालो नाल ही नवे आंदे जानगे। बस तू खुराक विच दुद्ध अते होर कैल्शियम वाले भोजन लोड़ मुताबक जरूर लेने हन, ताके टेढ़े मेढ़े अते खराब दंद ना उगन। मम्मी, नवे दंद भी उन्ने ही आउंगे जिन्ने पुराने निकलनगे। बेटा, दुद्ध दंद ता सिर्फ वी ही सन, जेड़े हुन पक्के दंद आउंगे उन्ना विच ता चबाउण वालियां जाड़ा भी होणगियां अते तेरे कुल दंद 32 हो जाणगे। मम्मी जी, मेरे दादा जी नूं वध कैल्शियम खवाइए कि उन्ना दे वी दुबारा दंद आ जाणगे। नहीं बेटा, मनुख विच सिर्फ दो वार ही दंद आउंदे हन, एक दुद्ध दंद अते एक पक्के दंद। मम्मी जी, ओना तो ता दंदा बिना कुछ शब्द भी ठीक नहीं बोले जांदे। हाँ, क्योंकि दंद भी बोलन विच मदद करदे हन। बोलन वेले कदे जीभ दंदा विचकार आउंदी है अते कदे दंदा दे पिछले हिस्से नूं छूंदी है। फिर मम्मी, जीभ दा की काम होया? बेटा, जीभ भी बोलन विच मदद करदी है, नाले वक्ख वक्ख स्वादां दा भी जीभ तो ही पता लगदा है, जिवें मिठा, खट्टा, नमकीन अते कौड़ा। की तुसी जानदे हो, दंद बहुत सख्त पदार्थ कैल्शियम तो बने हुंदे हन, ए जबाड़ियां विच लगे हुंदे हन। दंदां दे मुख तौर ते दो भाग हुंदे ने, उपरला हिस्सा जां क्राउन। दंद दा जेड़ा हिस्सा मसूड़ियां तों बाहर दिखाई दिंदा है उसनूं क्राउन कहा जांदा है। ए भोजन नूं चबाउण विच मदद करदा है। हेठला हिस्सा जां जड़। दंद दा जेड़ा हिस्सा असीं नहीं देख सकदे अते मसूड़ियां दे अंदर हुंदा है उसनूं जड़ कहा जांदा है। ए दंद नूं मजबूती नाल जकड़ के रखदा है। दंदां दी बुरश नाल सफाई करन दा ढंग। दंदां नूं बुरश ते पेस्ट लगा के उपरों हेठां, हेठों उपर, अंदरों बाहरों चंगी तरह हौली हौली नरम बुरश नाल साफ करना चाहिदा है। दंदां दे उपरली चिट्टी परत शरीर दा सब तो सख्त हिस्सा हुंदी है, इस नूं अनैमल आखदे हन। दंद चार प्रकार दे हुंदे हन, इन्हां दी किस्म इस प्रकार है। दंदां दी किस्म, दंदां दा कम ते इन्हां दी गिणती बारे जानदे हन। अगले दंद भोजन नूं कटदे हन ते इन्हां दी गिणती 8 हुंदी है। सूए दंद भोजन नूं पाड़न दा कम करदे हन ते इह गिणती विच 4 हुंदे हन। अगर जाड़ ए भोजन नूं चबाउंदी है ते ए गिणती विच 8 हुंदियां हन। जाड़ ए भोजन नूं बारीक कट्टण विच मदद करदे हन, ए गिणती विच 12 हुंदियां ने। बालग मनुख दे दंदां दी कुल गिणती 32 हुंदी है। इन्ने समें विच गली विच एक हाथी दिखाउण वाले आ गए। डिंपल ने भी अपनी मम्मी नाल हाथी देखिया अते ओ देख के बड़ी हैरान होई कि हाथी दे मुंह तों बाहर दो लंबे लंबे दंद सन।
मम्मी ने दस्या कि ए दंद खान विच मदद नहीं करदे। खान वाले दंद हाथी दे मुंह विच वखरे हुंदे हन। हाथी दे पिछे कुछ कुत्ते भी भौंक रहे सन। मम्मी ओ देखो, कुत्ते दे मुंह अंदर भी बाकी दंदा नालो थोड़े जे लंबे दो दंद हन। हां बेटा, सारे मांस खान वाले जानवरां विच ही एह सूए दंद थोड़े वड्डे हुंदे ने। इन्ना दंदा नाल एह मांस नूं पाड़दे हन। बाकी दंदा अते जाड़ा नाल कुत्ता होर खान वालियां चीजां नूं चबाउंदा है। दादी जी, ए मज ते गा बैठ के की चबा रहियां हन? एह घा खान वाले शाकाहारी पशुआं दे अगले दंद घा अते चारे नूं कट के खान लई चौड़े अते तिखे हुंदे हन पुत, जिस नाल एह जल्दी जल्दी चारा खा लेंदे हन। फिर आराम नाल बैठ के खादा होया चारा वापस मुंह विच ले जा के पिछले वड्डे दंदा दी मदद नाल चिथ के बरीक करके पचन योग बनाउंदे हन। इस नूं ही तां जुगाली करना कहंदे हन। आ लै, गिलहरी ते खरगोश वर्गे जानवरां दे दंद भी बीजां ते फलां नूं छिल के खाण लई बड़े तिखे हुंदे हन। अगले दिन दी सवेर डिंपल अपने परिवार दे मेंबरां नाल नहर दे कंडे सैर करन गई। आले दुआले दे दरख्तां विच्चों वख-वख पंछियां दियां मनमोहक आवाज़ां आ रहियां सन। कोयल उच्ची-उच्ची कूक रही सी। पापा, पंछियां दे किन्ने दंद हुंदे हन? बेटा, पंछी भोजन खान लई दंदां दा काम अपनी चुंझ तों लैंदे हन। इन्हां दियां चुंझां दी बनावट तों इन्हां दे मनपसंद भोजन दा वी पता लग जांदा है। चिड़ियां, कबूतर, मोर, मुर्गी अते घुग्गियां दी चुंझ छोटी अते इन्नी कु सख्त हुंदी है कि ए दाणियां नूं तोड़ के खा लेंदे हन। तोता फल खाण दा शौकीन है। ए अपनी गोलाईदार अते हुक वांग मुड़ी हुई चुंझ नाल सख्त कच्चे अते पक्के तरां दे सारे फल खा लेंदा है। उल्लू, बाज अते इल दी चुंझ छोटी हुक वांग सिरे तो मुड़ी नुकीली अते सख्त हुंदी है, जिस नाल ए अपने शिकार चूहे छोटे पंछी अते जानवरां दा मांस खा जांदे हन। बतखां दी चुंझ वड्डी सिद्धी अते सुराखदार हुंदी है। ए चिक्कड़ वाले गंदले पानी विच्चों भी कीड़े फड़ के खांदी है। पानी अते चिक्कड़ चुंझ दे सुराखां विच्चों बाहर निकल जांदे हन अते उस विच ए बचे हुए कीड़ियां नूं खा जांदी है। पैलिकन दी चुंझ हेठां भोजन जमा करन लई थैली लगी हुंदी है। चक्की राहे दी लंबी सिद्धी अते तिखी चुंझ दरख्तां दियां खोड़ां अते छिल विच्चों कीड़े खाण विच मदद करदी है। शक्करखोरा पाइप वर्गी बारीक अते लंबी चुंझ नाल उड़दा उड़दा फुल्लां विच्चों रस चूस लैंदा है। किंगफिशर पंछी अपनी लंबी अते मोटी चुंझ नाल तालाब विच्चों मच्छियां अते डड्डू वर्गे छोटे जानवर फड़ के खा लेंदा है। पंछी अपनी चुंझ नाल भोजन खाण तो इलावा आलणे बनाउण, अपने बच्चियां नूं खाणा देण अते खंभां दी सफाई अते आत्म रख्या लई वी वरतों विच लियाउंदे हन। डिंपल दे छोटे भरा कीरत ने पापा जी नूं बड़ी हैरानी नाल पुछया कि बतखां दे पंजे दियां उंगलां आपस विच क्यों जुड़ियां हुंदियां हन। पापा जी ने जवाब दिता कि आम तौर ते हरेक पंछी दे पंजे विच चार उंगलां अते उन्हां नाल जुड़ियां हुईयां चार नौंदरां हुंदियां हन।
बत्तख दे पानी विच आसानी नाल तैर अते तुर सकण लई इस दियां चारे नौंदरां एक पतली झिल्ली नाल जुड़ियां हुंदियां हन। चिड़ियां, कां अते कबूतरां दियां नौंदरां दरख्तां नूं कस के फड़न लई हुंदियां हन। इन्हां दी मदद नाल इह लंमे समें लई बैठ ते सौं वी सकदे हन। मुर्गी अते मोर वर्गे पंछी जमीन नूं सख्त ते तिखियां नौंदरां नाल फरोल के कीड़े अते दाने खांदे हन। बाज अते उल्लू वर्गे शिकारी पंछियां दियां नौंदरां शिकार फड़न अते मास नोचण लई मजबूत अते नुकीलियां हुंदियां हन। चक्की राहे दे पंजे दियां नौंदरां जोड़े दे रूप विच एक दूजे तो उल्ट हुंदियां हन तां जो ए दरख्तां दी छिल नूं चंगी तरह नाल फड़ के तुर सके। शुतुरमुर्ग उड नहीं सकदा, ए दौड़न वाला पंछी है। इस दे हरेक पंजे विच केवल दो उंगलां ही हुंदियां हन। बच्चो, देख्या जानवरां दे पंजे अते चुंझां भी इन्हां दे रहण अते भोजन प्राप्त करन दे वख-वख टंगां नाल वख-वख हुंदियां हन। कुछ याद रखण योग गल्लां, बच्चियां विच दुद्ध दे दंदां दी गिणती 20 अते बालगां विच पक्के दंदां दी गिणती 32 हुंदी है। दंदां नूं हर रोज बुरश जां दातन नाल साफ करना चाहिदा है। मांसखोर जानवरां दे अगले दंद तिखे हुंदे हन। पंछियां दे पंजे विच 4 उंगलां हुंदियां हन। पंछियां दीआं चुंझां तों उन्हां दे मनपसंद भोजन दा पता लगाया जा सकदा है।